हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल आर्टर डोनो चैनल में। तो आज हम बात करेंगे निकोलस शोरिक के बारे में, जो एक रशियन कलाकार है और जिनको हम नवरत्न में मानते हैं। जैसे नवरत्न में हमारे राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, गगेंद्रनाथ, अभिंद्रनाथ आते हैं, वैसे ही ये एक रशियन आर्टिस्ट हैं जिनको नवरत्न में नवरत्न घोषित किया गया। वह नवरत्न कलाकार माना गया है। निकोलस शोरिक का जन्म 1874 में 18 अक्टूबर को रूस के प्रसिद्ध नगर सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। रोरिक की अवस्था 10 वर्ष की थी और 11 में वे कुटुंब के ईश्वर नाम के इलाके पर रहा करते थे। इसी समय वे प्राचीन वाइंगेंस तथा पूर्व ऐतिहासिक स्लेब जाति के कुर्मानों मिट्टी के सांचे डेरों की परीक्षा किया करते थे। रोरिक जन्म से रशियन होते हुए भारतीय दर्शन में सांस्कृत हिमालय के लिए उनको सौंदर्य प्रति निकोलस शोरिक को असीम प्रेम था हमारी सांस्कृतिक व भारतीय जीवन से। भारतीय कला क्षेत्र में उनकी चेष्टा के अनुसार उनको ख्याति नहीं मिली। इसके कई कारण हैं, जैसे कि उनमें क्या स्पर्धा क्षेत्र में वह नहीं आए। उनका विचार था कि उनको फुर्सत नहीं थी, तो इसलिए उनको ख्याति नहीं मिल पाई, वे कंपटीशन नहीं कर पाए इस चीज और रोरिक का बचपन रशिया की प्रातात्विक संस्कृति के अवशेषों के संपन्न नोवगोराड शहर के निकट बीता, जो उनकी स्वाभाविक धार्मिक वृत्ति के पोषक रहे। 20वीं सदी के आरंभिक काल में उन्होंने चित्र बनाए जिसमें क्या था, रंग संगति और सायकालीन प्रकाश का प्रभाव, आकारों का सरलीकृत ठोसपन वगैरह गुणों का उसमें आभास दिखाई देता था, जो उनकी भविष्य की परिपक्व कल्पना कला की कुछ विशेषताएं हैं जो उनकी कला में झलकती है। उन्होंने रशिया में भी प्रवास किया। वहाँ उत्तरी प्रदेशों, तालाब, वन, पहाड़ आदि के प्राकृतिक सौंदर्य में मुग्ध हुए। उन्होंने हिमालय के असंख्य चित्र बनाए जिनको हम केवल निसर्ग चित्र नहीं कह सकते। ये चित्र आध्यात्मिक भाव से ओतप्रोत है। मानव व प्रकृति की आंतरिक एकात्मक उनकी कला व जीवन दर्शन का सार है। इनमें से कुछ चित्र प्राचीन भारतीय कथाओं पर आधारित है, जैसे कि कल्कि अवतार, ऋषि चरक आदि। उनके हिमालय के दृश्य ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि उनमें कोई अज्ञात शक्ति का संचार है। वह इसमें उनकी तुलना आत्मदेव चित्रों की जाती है। उनके चित्रों की तुलना अभिव्यंजनवादी कलाकार नोल्डे व होल्डर के स्विट्जरलैंड के पहाड़ी दृश्यों से करना बोधप्रद है। नोल्डे के समान रोरिक ने कुछ ऐसे चित्रों की कल्पनावाद को स्थान दिया, जैसे कि कल्कि को बादल के रूप में चित्रित किया है। जिस तरह नोल्डे ने पहाड़ों को काल्पनिक मानव के सदृश रूप किया है, उसी तरह उसने भी, रोरिक ने भी अभिव्यंजनावाद को निखारने की कोशिश की है। 1947 में रोरिक का निधन हो गया। उनकी चित्रों की प्रदर्शनी के उद्घाटन के समय जवाहरलाल नेहरू ने उनकी संशोधक वृत्ति प्रतात्मक एक धार्मिक विषय को उसके उपरांत भारत में दोनों विश्व युद्ध के बीच इस काल में आधुनिक कला की दिशा एकदम पलट गई। फिर बम्बई कला की विद्यालय की स्थापना हुई, जिसको और अच्छी तरह से इस्टेब्लिश करके उसमें कलाकारों का आगमन और नई नई तकनीकों का उजागर होना कला को बढ़ावा देना था। उनके पश्चात आए निर्देशक जरवाड़ ने विद्यार्थियों को प्रभाववादी अंकन पद्धति से परिचित कराया व उस दिशा में मार्गदर्शन किया। जब रोरिक की चित्रकला को जाने जाने लगा, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के करीब आधुनिक कला की दिशा में प्रगति करने के लिए विचार से भारत के बड़े शहरों में नकल व प्रतिशालित हुए। मुंबई में रजा, आरा, हुसैन वगैरह कलाकारों ने सम्मिलित होकर प्रगतिशील कलाकारों के मंडल की स्थापना की
और कलकत्ता में सुबोध टैगोर, गोपाल घोष, इन सब परितोष सेन, इन कलाकारों ने नया जीवन शुरू किया और पुनरुत्थान शैली के विरुद्ध में आधुनिक कला पद्धतियों को अपनाने का निश्चय किया।